घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू SPW संगीत प्रवाह वर्ल्ड के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और मैं मास्टर निषाद। एक और सवाल जो आप ही सभी का है, जो म्यूजिक लर्नर्स का है, जो बिगिनर्स का है, यहाँ तक यूँ कहूँ कि जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत सीख भी रहे हैं उनका भी है। हमसे पूछे जाते हैं सवाल कमेंट्स में, व्हाट्सएप पर, तो हम उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उनको हमारे सिलेबस से, हमारे बताए हुए रियाज से रिलेट करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप नंबर आई रहा है स्क्रीन पर, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा सवाल भी है, हो सकता है वो सवाल का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हो, तो आप वैसे भी सर्च करते हैं, बस अपना सवाल लिखिए और साथ में संगीत प्रवाह वर्ल्ड जोड़ दीजिए, हो सकता है शायद आपको जवाब मिल जाए। ठीक है, वरना आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने का एक ही सिंपल सा नियम है कि आप बार बार मैसेज मत करना, एक ही बार मैसेज करना और वेट करना रिप्लाई का। रिप्लाई में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बार बार रिप्लाई मैसेज करोगे तो रिप्लाई लेट मिल पाएगा, क्योंकि आप दिन आगे बढ़ जाएंगे आपके, है ना। मैं जो पहले वाले मैसेजेस हैं उनको पहले क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो आप हमेशा एक ही मैसेज करिए और उसी में आपको जवाब मिल जाएगा, और जवाब में मिलेगा वीडियो का लिंक, उसी को देखना पड़ेगा आपको। ऐसे और कोई जवाब नहीं मिलेगा, फिर आप सोचो कि मुझे रिप्लाई नहीं मिला, है ना। कॉल नहीं करना इस नंबर पर, सिर्फ मैसेज करना। तो आज का जो सवाल है वो है, दिन का रियाज कैसे करें, या फिर पूछते हैं कि सुबह का रियाज कैसे करें, या फिर कि शाम का रियाज कैसे करें। लोगों ने पहले तो मैं रियाज शब्द का अर्थ बता दूं, तो वो सीधा सा होता है अभ्यास। अभ्यास को उर्दू में रियाज कहते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को उर्दू में रियाज कहते हैं। हर कोई, हर गुरु, हर जने से आपने संगीत से जुड़े बंदे से पूछा होगा और सुना होगा, तो यही कहते हैं भाई रियाज करना चाहिए, रियाज होता है, ये होता है, वो होता है। रियाज यानी अभ्यास करना होता है। मगर संगीत प्रवाह वर्ल्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि रियाज और अभ्यास दो अलग अलग चीज़ें हैं। मीनिंग सेम है माना, मगर हमारी जो टेक्निक्स हैं वो दो अलग अलग हैं। यानी मॉर्निंग में जो आप करते हैं वोकल की जो एक्सरसाइज है उसको रियाज कहते हैं हम, और जिस शाम में या दिन में कभी प्रैक्टिस करते हैं उसको अभ्यास कहते हैं। दो तरीके से ही आप सीख सकते हैं, या तो आप हारमोनियम के जरिए जो पूरा ग्रामर है उसको सीखेंगे, वो आ गया अभ्यास के अंतर्गत, जिसमें अलंकार, थाट, स्केल्स, लय, ये सबसे बेसिक है, लय ताल, फिर जाके कहीं आती है राग। ये सब बेसिक में आता है, जो आप जो हमारा सिलेबस से अगर जुड़े हुए हैं और सीखते हैं तो ये आपको दिन में, शाम में कभी भी कर सकते हैं। मगर जो रियाज है यानी गले का जो अभ्यास है, जो टेक्निक्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ होंगी मॉर्निंग में। मॉर्निंग 4 से 7 के बीच अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आप बिगिनियर हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटे से शुरुआत करना है, 5 से 6 कर लीजिए, 4 से 6 कर लीजिए, 4 से 7 कर लीजिए, 4 से 7 पूरा होता है, 3 घंटे का है। और ऐसा भी कोई नियम नहीं होता है कि रियाज इतना ही होगा या इतने ही घंटे का होगा या यही यही होगा, पर जो हमने बताया गया है, यानी पहले आता है अ उ ओ ओम, ये जो 5 अक्षर हैं यानी ओंकार का रियाज। उसके बाद हमने बोला है कि भाई 12 खड़ी का रियाज करो, फिर करो सा का रियाज कर लो, अलंकार का रियाज कर लो, फिर रेंज बढ़ानी है तो रेंज बढ़ाने के लिए स्वर विस्तार। अब इसमें जो जो भी रियाज के अंतर्गत आ रहा है, ये हो रहा है सुबह का रियाज, है ना। इसमें क्या क्या आ रहा है, आपके गले में फोर्स, आपके गले में रेंज, है ना, गला खोलना, इन सब के लिए वो होता है। अब कोई कहता है कि भाई मेरे सुर बराबर नहीं लगते, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो सुर बराबर लगने के लिए ऐसा नहीं होता है कि रियाज कर लोगे तो सुर बराबर लगने लग जाएंगे। उसके लिए पहले स्वरों को समझना होता है, इसीलिए हम पहले हारमोनियम सिखाते हैं। हारमोनियम सिखाने से आपको स्वरों की समझ आ जाती है कि ऐसे ऐसे इतनी इतनी दूरी पर स्वर होते हैं, सा से रे ये दूरी है, सा से ग इतनी दूरी है, तो स्वरों की समझ आ गई। फिर हम उन्हें तानपुरे पर करवाते हैं, पहले हारमोनियम के साथ हो गया, फिर तानपुरे पर करिए। इसमें टाइम लगता है, थोड़ा सालों का सीखने का विषय है, तो सीखने के लिए ये सब चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि आपके मन में सवाल आया और मैंने कह दिया तो हो गया, वो जवाब मिल गया तो आपका काम भी हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ता है उन चीज़ों को, और पेशेंस रखना पड़ता है संगीत में। ऐसा नहीं है कि आज सवाल किया और अभी जवाब मिला और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। सुरों की समझ कैसे आए, या क्या बोलते हैं कि गाने को कैसे गाया जाता है, उस सब के लिए ग्रामर एक ही जवाब है। ये वो सवाल हैं जिनके पर्टिकुलर कोई जवाब नहीं है, ये अभ्यास करते करते अनुभव होता है। संगीत में कई जवाब अनुभव से मिलते हैं, और ये वही सारे जवाब हैं। सुर को कैसे समझें, सुरों में कैसे गाएं, ये मेरे ख्याल से, मुझे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये सवाल कर करके बहुत बात का बतंगड़ बना दिया है। ऐसे कोई पर्टिकुलर सवाल होते नहीं है। जब आप अभ्यास करते हैं, जब सीखते हैं ना, तो ये सवाल अपने आप आंसर मिलते जाते हैं इनके, क्योंकि इनके कोई पर्टिकुलर आंसर है नहीं, जो आप सवाल कर करके आप खुद भी परेशान होते हैं और सामने वाले को भी परेशान कर रहे हैं। तो सुबह में तो ये रियाज हो गया, अब क्या क्या हो रहा है वो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, पूरी प्लेलिस्ट है, मॉर्निंग वोकल रियाज बाय अडल्ट मेल्स,
आप टाइप कीजिए संगीत प्रवाह वर्ल्ड, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें एक एक करके टेक्निक एक्सप्लेन करी गई है। सबसे पहले तो अउओम है, गले को कैसे खोलें इस पर एक वीडियो है, उसमें मैंने ये अउओम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गले में आवाज़ फटती है ऊंचे स्वरों में, इसमें मैंने ये टाइटल डाल के टाइप करोगे तो स्वर विस्तार मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे करना है। तो सब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन क्या है टाइटल अनुसार आपको वीडियो चाहिए, जिससे कि आपको लगता है शायद आपका जवाब मिल जाएगा। तो ये वही जवाब है जो मैं टाइटल अनुसार दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप क्या पूछते हैं कि भाई संगीत सीखते तो हैं आप, लेकिन सीखते सीखते आपके मन में इतने सारे सवाल आते हैं जिन सवालों से आप सीखते समय परेशान हो जाते हैं। सीखना बंद नहीं करना है, है ना। शुरुआत कैसे की जाए संगीत सीखने की, आपको होता है, देखिए शुरुआती में हमको लगता है कि ऑनलाइन कैसे सीख पाएंगे, नहीं हो पाएगा, लेसन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वीडियोज से कैसे सीखा जा सकता है, चेक कैसे करेंगे, गलतियां कैसे पहचानेंगे। तो उस सब के लिए ही तो व्हाट्सएप है, और जो लोग सीख रहे हैं उन्हें पता है कि बराबर कमियां उसमें हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। और फिर हो सकेगा तो आप इतना सीखेंगे, हमसे लगातार जुड़ेंगे तो उदयपुर राजस्थान आके भी सीख सकते हैं, जाम है ऑलरेडी, उसका प्रोसीजर अलग है, साल भर की फीस लगती है वो वगैरह सब अलग है, लेकिन तो भी आप एक बार यहाँ आके मिलकर और अपनी गलतियाँ सुधरवा सकते हैं ना। मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो हमारे वीडियोस देखते हैं ना, वो ऐसे लोग देखते हैं कि आज एक वीडियो देखा तो ज़रूरी नहीं है वो परमानेंट जुड़ जाए और सब्सक्राइब करके हमेशा हर वीडियो देख के और सीखे। वो बस यूँ होते हैं क्योंकि ये टाइटल ऐसा अट्रैक्टिव होता है, ये ऐसे सवाल हैं जो आप करते ही करते हैं, तो बस वो देख के वो खुश हो जाते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं। व्हाट्सएप पे मैं उन्हें जवाब भी दे रहा हूँ ना, आगे के लिंक्स भी दे रहा हूँ, फिर आगे उनका कोई अता पता नहीं होता, वो वापस कॉन्टैक्ट करते भी नहीं है। सीखने वाले कुछ ही चंद हैं जो पक्के जुड़े हुए हैं, उनको मुझे बार बार ये चीज़ लेक्चर देने की ज़रूरत भी नहीं होती, समझाने की ज़रूरत भी नहीं होती, मगर यही है कि उन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास ऐसे वीडियोस भी होने चाहिए, ताकि तुरंत एक बार मैं उन्हें जवाब तो दे पाऊँ, वरना फिर वो कहेंगे कि नहीं गुरुजी के पास जवाब नहीं है या आप समझा नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो दिन का रियाज में अलंकार को अलग अलग थाटों में अलग अलग स्केल से बजाना है, गाना नहीं है, गाने का काम सिर्फ सुबह करना है। ये अलग अलग, जैसे पहला अलंकार ले लिया सारे गमा पधनी सा सानी धपा मगरे सा, पहली काली से बिलावल थाट में बजा, फिर इसी अलंकार को भैरवी थाट में बजाएंगे उसी स्केल से, फिर ऐसे करके दसों थाटों में बजा लेंगे। अब थाट क्या होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। पहली काली से हो गया, अब अलग स्केल से करिए। ये एक सिलेबस है जो हमने डिज़ाइन किया है, स्वरांगिनी जो हमारी किताब है जो साइड में फोटो आ रहा है उसमें बताया गया ये पूरा सिलेबस, उस किताब के अनुसार एक पाठ्यक्रम अनुसार आप चल दीजिए, सीख लीजिए, बहुत बढ़िया संगीतकार बनेंगे आप, समझ जाएंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे। संगीत में समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है, रटने की नहीं। यानी आपके पास मैटर बहुत सारा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत बढ़िया गाते बजाते हैं ऑलरेडी, आप तभी ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे इतना तो मालूम पड़ ही गया है कि ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ऐसे ही हैं जो ऑलरेडी गाते बजाते हैं, अच्छे हैं, और टिप्स के लिए देख रहे हैं कि उन्हें लगता है शायद इस टिप से कुछ उनमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए सीखने के लिए ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बहुत कुछ सिखा दो। मेरे से कई बार लोग मिलते हैं, कुछ ऑलरेडी कलाकार हैं, वो कहते हैं यार आप तो बहुत बढ़िया करते हो यार, बहुत बढ़िया गाते बजाते हो, थोड़ा बहुत कुछ टिप दे दो यार, कुछ सिखा दो। कोई टिप नहीं होती है संगीत में, व्याकरण होता है, उसको एक लगातार ढंग से आप अगर सीखते हैं तो फिर टिप्स की ज़रूरत नहीं होती, आप ज्ञान आपके पास चल के आता है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं और चीज़ें हो जाती हैं अपने आप, है ना। तो वो सारी चीज़ें, उन चीज़ को समझिए कि दिन का जो रियाज है उसमें अलंकार थाट स्केल्स ताल लय इस सब का अभ्यास करना है, और सुबह मॉर्निंग वोकल रियाज, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर हमसे जुड़े हैं और हमारे सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, वरना आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या प्रैक्टिस हो रही है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा कोई अलग से नहीं होता है कि आप अलंकार गाए जा रहे हैं, सुबह नहीं कर पाए रियाज तो दिन में कर लिया, दिन में नहीं कर पाए तो शाम में कर लिया, ऐसा नहीं होता है। मॉर्निंग वोकल रियाज गले की एक्सरसाइज सुबह ही होंगी तो सुबह ही होंगी, है ना, और कभी करोगे तो उनका असर ही नहीं होना है। ये आप करके देखोगे तो पता पड़ जाएगा, लोगों ने करा है, शाम में कर लेते हैं, रात में कर लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं बैठाना है, सुबह करना है मतलब करना, पत्थर की लकीर है ये, नहीं कर पाए तो नुकसान होगा उल्टा आप ही का, दिन में या शाम में वो रिकवर नहीं हो सकता है, वो सुबह ही होगा। तो सुबह का रियाज सुबह ही होगा, और दिन का अभ्यास या शाम का अभ्यास आप कभी भी जितना ज़्यादा करें निरंतर, देखिए ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि अभ्यास यानी होता है निरंतरता, लगातार किसी एक चीज़ को लेके बैठ गए, हाथों में स्पीड लानी है, एक अलंकार लेके एक लय में बैठ गए, है ना, मान लीजिए सारे गामा पधा नी सा नी धा प म ग रे सा, सारे गामा पधा नी सा नी धा प म ग रे सा, इस लय में लेके बैठ गए और लगातार करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, इसी लय में करे जा रहे हैं, इसी से हाथ में स्पीड डेवलप हो रही है ना, और परफेक्शन आ रहा, हाथ को उठा उठा के बजाने के तरीके, इतने सारे वीडियोज़ हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इतना सारी चीज़ें बता चुके हैं कि अब मैं उन चीज़ों को बताता हूँ तो ऐसा लग रहा है रिपीट कर रहा हूँ मैं उन चीज़ों को, बताने की ज़रूरत नहीं है अब तो, है ना। आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आप एक ही वीडियो देख के मुझे सवाल करने लग जाते हैं, और दूसरा अगर मैं वीडियो देता भी हूँ तो आप देखते नहीं हैं, तो ऐसे तो कैसे सीख पाएंगे आप। सीखने के लिए सबसे ज़्यादा, अब ऑनलाइन सीख रहे हो तो वीडियो तो देखना पड़ेगा ना, और वीडियो नहीं देखोगे तो ऑनलाइन कैसे सीख पाओगे। तो प्लीज़ आप सबसे यही निवेदन है मेरा कि अगर मैं कोई वीडियो देता हूँ आपको कोई आंसर में, तो उसको देखिए,
और बिना वीडियो देखे मुझसे फिर सवाल मत कीजिए, उम्मीद मत कीजिए कि मैं डायरेक्ट और कोई आंसर दे पाऊंगा, क्योंकि आंसर मैंने ऑलरेडी वीडियोज में दे रखा है, तो मैं वही आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। रिप्लाई आने में समय लगेगा, बट आप एक बार मैसेज करिए, जल्दी रिप्लाई मिलेगा। अगर बार बार करेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा, ये आपने महसूस भी किया होगा। मैं जब व्हाट्सएप के रिप्लाई करता हूँ, मान लीजिए आज की तारीख मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, जब मान लीजिए 26 तारीख को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अगर चैट खोलता हूँ तो देखता हूँ कि पिछले महीने तक का मैसेज पड़ा हुआ है उसमें, और वो इतना लेट कैसे हो गया, क्योंकि वो बार बार मैसेज करता गया तो वो मेरी नई लिस्ट में जाता गया, हर बार वो मेरी पुरानी लिस्ट से बाहर आता है और नई में चला जाता है। आर्काइव में करता हूँ, जैसे मैंने वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मैं आईफोन में आर्काइव कर देता हूँ मैसेज, फिर जैसे ही उसको मैं जवाब देने के लिए आर्काइव में जा रहा हूँ तो वो तब तक तो मेन चैट में आ चुका है, और मेन से मैंने फिर आर्काइव किया तो अब वो थर्सडे से ऊपर आ गया है ना, ये समझ लीजिए आप। तो ऐसा होगा, आपको रिप्लाई लेट मिलेंगे, तो अगर रिप्लाई जल्दी चाहिए तो एक बार मैसेज करिए और अपना सवाल लिख दीजिए। मोटी आवाज़ कैसे पतली करें, वीडियो बना रखा है। आवाज़ फटती है, क्या सॉल्यूशन है, वीडियो बना रखा है। आवाज़ को कैसे खोलें, वीडियो बना रखा है। गाने में सरगम कैसे गाएं, इस पर भी वीडियो है। शुरुआत कैसे करें, वीडियो है। पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें कि एक एक करके एपिसोड्स दे रखे हैं, है ना। गज़ल कैसे गाना है, भजन कैसे गाना है, प्लेलिस्ट है। गाने में ताल कैसे पहचाननी है, इस पर भी वीडियो है ना। तो आपके मन में जो जो ये सवाल आ रहे हैं ना, उन सब पर मैंने वीडियो बना रखा है। सीखने में कितने दिन लगते हैं, कितना समय लगता है, इस पर है। क्या सीखने से पहले कुछ आना ज़रूरी है, इस पर वीडियो है। तो ये जो कुछ कॉमन है, ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, है ना। तो जवाब मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हो, लगातार सीख सकते हो, बस ज़रूरत है वीडियोस देख के सीखने की। मुझे बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि पुराने व्यूअर्स के लिए नहीं, नए लोगों के लिए, कि हम सिखाते हैं, हमने सिखा रखा है, ज़रूरत है मेहनत की। अब मेहनत नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। आप चाहते हो घर बैठे बैठे सब मिल जाए, मिलेगा, मगर मेहनत तो भी उतनी ही करनी पड़ेगी और बल्कि उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सीखते रहिए संगीत प्रवाह वर्ल्ड से, और गाने को अगर गाना है तो गले में हरकतें, मुर्कियाँ, इन सब के पीछे मत भागिए, शब्द के पीछे भागिए, शब्द की मीनिंग समझिए, फील से गाइए गाना, गाना अच्छा गाएगा, ठीक है। तो सीखते रहिए और जुड़े रहिए संगीत प्रवाह वर्ल्ड से। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कमेंट शेयर कीजिए इस वीडियो को। सीखते रहिए।